अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर में जो एक और क्वेश्चन था न्यूक्लियर रिएक्शन का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ रहे हैं रेडिएशंस के ऊपर, के नॉर्मल ह्यूमन लाइफ के ऊपर हमारे पास रेडिएशंस के क्या इफेक्ट है। एक पोर्शन ये और इसके बाद एक पोर्शन हो रहा है, यानी इस चैप्टर के अभी दो पोर्शन पड़े हुए हैं, काफी लेंथी चैप्टर है ये। तो एक पोर्शन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में, कि रेडिएशन हमारे पास किस तरह, रेडिएशन एंड ह्यूमन भी कह सकते हैं, रेडिएशन एंड लाइफ, कि लाइफ जो जिंदगी है हमारी अर्थ के ऊपर और रेडिएशन का इनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो सारे का सारा हमने इस पूरे के पूरे रीजन में पढ़ना है इस सेक्शन में। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन रह जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस सेक्शन में हमारे पास दो तीन लेक्चर लग जाएंगे। पहला लेक्चर हमारे पास आ गया रेडिएशन एक्सपोजर का। रेडिएशन एक्सपोजर का मतलब क्या है कि हमारी नॉर्मल रेडिएशन एक्सपोजर, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कौन सी रेडिएशन है ह्यूमन लाइफ में, कहां कहां से रेडिएशन हम इफेक्ट आउट कर रही है मेरी नॉर्मल बॉडी या आप लोगों की नॉर्मल बॉडी, कहां कहां से रेडिएशन वो अब्सॉर्ब कर रही है या कहां कहां से वो रेडिएशन ले रही है। तो रेडिएशन एक्सपोजर में ये सारी चीजें आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास जो सी रेडिएशन एक्सपोजर में चीजें आ जाती है, वो बेटा ये आ जाती है, जैसा कि हमने जीएम काउंटर पढ़ा था, जीएम काउंटर में हमारे पास जब कभी रेडिएशन सोर्स ना भी मौजूद हो, वो फिर भी कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा होता है। वो रेडिएशन कहां से आती है भाई? वो रेडिएशन आती है, कुछ तो रेडियो एक्टिव मटीरियल होंगे ना हमारे इर्द गिर्द, कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल, वहां से रेडिएशन निकलती रहती है कंटिन्यूसली, वहां से आ सकती है। यहां कुछ होती है कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस, तो कुछ कॉस्मिक रेस होते हैं। कॉस्मिक रेस क्या होते हैं? ये कंसिस्ट करती है दो चीजों के ऊपर। पहला इसमें होता है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल और दूसरी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। इन सब के मिलजुल के हमारे पास क्या बनती है? कॉस्मिक रेज बनती है, ठीक है बेटा जी। इसकी वजह से भी आ सकती है। अब ये सारी की सारी ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन लाइफ में हमारे पास ये इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इनमें हमारे पास जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह इसमें हमारे पास वो साबित हो सकती है। अब हमारे पास ये सारे के सारे जो डेंजरस रेडिएशन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सूरज से भी आने वाली रेडिएशन है, कुछ कॉस्मिक रेज है हमारे एटमोसफेयर में, सूरज से जो रेडिएशन आ रही है उनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, वो सारे के सारे इंसानों के लिए नुकसानदेह है। अब इन सबको शील्ड करने के लिए हमारे बोर्ड ने हमारे पास पहले एटमोसफेयर में शील्ड प्रोवाइड की हुई थी। वो सारी की वो शील्ड हमारे पास क्या करती थी? रेडिएशन को रोक के रखती थी, जमीन तक आने नहीं थी देती। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हमारे पास उस शील्ड को, जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई है, उसमें हमारे पास क्या हो चुका है? उसमें होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज और दूसरी हार्मफुल रेडिएशन जो होती है वो जमीन पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से जमीन की जो जिंदगी है वो मुतासर हो रही है। अब ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमारे पास क्या होता है? स्किन कैंसर जैसी डिजीजेज जो होती हैं वो हो सकती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट हायर रेडिएशन जो होती हैं, और ये सारी की सारी कॉस्मिक रेज भी। अच्छा, अब वो हमारे पास डिप्लीशन रीजन में होल कैसे हुआ? वो हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और भी कुछ गैसी स्प्रेज है हमारे पास जो हम ह्यूमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में हमारे पास सुराख हो गया, जिसकी वजह से ये रेडिएशन हमारे तक पहुंच रही है। अच्छा, क्या यही सोर्स था एटमोसफेयर से, बाहर से जो रेडिएशन आ रही है वही है भाई? कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारे जमीन में भी तो मौजूद है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, वहां से भी रेडिएशन आ रही है। अब हम जो बिल्डिंग मटीरियल यूज करते हैं, बिल्डिंग मटीरियल जैसा कि हम अपना घर बनाते हैं, अपना घर बनाएंगे हमारे पास तो कुछ मटीरियल सीमेंट वगैरह ईंटे, इनमें भी कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल होते हैं। अब उसकी वजह से रेडिएशन कंटिन्यूसली उनमें से निकल रही होती है, जैसा कि हमारे घरों के फर्शों से रेडॉन गैस निकल रही है। अब वो रेडॉन गैस जो सी है वो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन कमरे में मौजूद नहीं है, जैसा कि घर को हम कहते हैं कौन सा बहुत अच्छा घर है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, यानी खिड़कियां हो बहुत ज्यादा, कहते हैं हवादार घर है, बहुत अच्छा घर है, और एक घर होता है घुटन घुटन महसूस होती है उस घर में जहां पे खिड़कियां ना हो, वो घुटन घुटन इसलिए महसूस होती है कि वहां पर रेडॉन गैस की जो सी कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। अब प्रॉपर वेंटिलेशन करके हम रेडॉन गैस को हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, एक नॉर्मल इंसान एक दिन में बहुत ज्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है, उनमें से हार्मफुल भी होती है, एक नॉर्मल लेवल होता है कि कितनी रेडिएशन एक इंसान जज्ब कर सकता है, उससे ज्यादा करेगा तो उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अब वो रेडॉन गैस जो है वो हमारी बिल्डिंग मटेरियल से निकलती है, और भी कुछ गैसेज हैं जो उनसी बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पोटाशियम 40 एंड कार्बन 4 आइसोटोप 14
पोटाशियम 40 भी इस्तेमाल होता है, कार्बन 14 आइसोटोप, ये दोनों के दोनों बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों ही रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, इनसे रेडिएशन निकलती है, हमारे फर्शों से रेडिएशन निकलती है, इसलिए करो कि प्रॉपर वेंटिलेशन हम करते ताकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। तो ये मैंने पहले बताया था कि ये सारे का सारा जो सेक्शन चल रही है इसमें हमने यही देखना है कि रेडिएशन और लाइफ किस तरह इनके आपस में रिलेशन है, क्या किस तरह हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटे कुछ आ जाती है इनमें मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर, भी मेडिकली भी हमारे पास रेडिएशन हम ऑब्जर्व करते हैं जानबूझ के, जैसा कि हम कभी ना कभी एक्सरे निकलवाते हैं तो एक्सरे भी तो रेडिएशन है, वो भी नुकसान दे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो कैंसोरियस सेल और प्री कैंसोरियस सेल पैदा करती हैं, वो भी नुकसान दे। अब कई मरतब एक्सरे जरूरी बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें निकलवाना ही पड़ता है, तो वो रेडिएशन भी नुकसान दे हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये रेडिएशन एक्सपोजर में आज हम पढ़ रहे हैं किस तरह हमारा एक्सपोजर है रेडिएशन के साथ, किस तरह मिलते जुलते हैं। एक्सपोजर का मतलब ये था ना, कितना मिलता जुलता है इंसान की, तो हम किस तरह रेडिएशन से मिलते जुलते रहते हैं, यही एटमॉस्फेयर से आ रही है, कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स में मेडिकली हमने देख लिया, कुछ हम जोन से अदर सोर्स देख लेते हैं, जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो वेस्ट है वो भी रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, उनसे भी रेडिएशन निकलती है, वो भी हम माइल्स में जोन से वो डिकम्पोज कर देते हैं, वो भी रेडिएशन बेसिकली अर्थ क्रस्ट में तो आई नहीं होती है ना, वहां से वो मिल जाती है। हॉस्पिटल्स में कुछ हम रेडियोएक्टिव मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपने रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कुछ अपने लैब्स में हम जो कुछ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे रेडिएशन निकलती है। तो इस तरह बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा डेली बेस के ऊपर आपकी बुक में एक पाई ग्राफ बना होगा, पाई ग्राफ बोलते हैं, सर्कुलर ग्राफ को बोलते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया उनको पता भी होगा, ठीक है। तो उस ग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कितनी रेडिएशन एडजस्ट करता है और कितने परसेंट में एडजस्ट करता है, तो उस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है रेडिएशन के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम रेडिएशन को जो है वो सारे के सारे दिन में अब्सॉर्ब करते रहते हैं और ये नुकसानदेह है, हम इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, हम ऐसा भी तो नहीं ना कह सकते हम ये रेडिएशन ले ही ना, कैसे ना ले, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो ये जरूरी भी है इनके साथ रहना, लेकिन अगर हम प्रॉपर अपनी केयर करें और प्रॉपर अच्छे तरीके से हम जो है अपने घर बनाए और अच्छे तरीके से हम अपने केयर करें अंदर बाहर आने के वक्त, तो हम जो है इन रेडिएशन के जो है नुकसान से बच सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, तब तक के लिए घरों में रहें, सेफ रहें।